बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर नंबर 1 है, टॉपिक हमारा है SCR। जो लास्ट टॉपिक था हमारा, उसके अंदर हमने पावर डायोड को पढ़ा और उससे रिलेटेड जो है कुछ चीज़ें थी उनको हमने डिस्कस किया था। आज जो टॉपिक है वो हमारा SCR है, और SCR टॉपिक जो है वो हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी पढ़ा है। पिछले साल जब हमारे ऑनलाइन लेक्चर चल रहे थे तब हमने ये चीज़ें SCR को पढ़ा था कि SCR क्या होता है। इसको हम थायरिस्टर भी कहते हैं। ये पावर डायोड की फैमिली का एक डिवाइस है, एक कंपोनेंट है, जो कि ज़्यादातर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, इंडस्ट्रियल के अंदर। क्योंकि आपकी जो है ना, जो भी चीज़ें लगी होती हैं, जो भी आपकी मशीनरी है, जो भी आपकी सर्किटरी है, वो बहुत ही हाई पावर रेटिंग की होती है, तो इसलिए वहाँ पर इनका इस्तेमाल जो है ना वो ज़्यादा किया जाता है। इसको फिर से हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। इसकी वर्किंग स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन जो है वो क्या होता है, किस तरीके से बना होता है। सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, या इसको हम शॉर्ट में SCR भी कहते हैं। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इज़ अ यूनी डायरेक्शनल सेमी कनेक्टर डिवाइस मेड अप ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन की बनी हुई होती है, एक सेमी कनेक्टर डिवाइस है जो कि यूनी डायरेक्शनल होती है। यूनी डायरेक्शनल मतलब एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाएगी। दिस डिवाइस इज अ सॉलिड स्टेट इक्विवेलेंट टू थायरेट्रॉन एंड हेंस आल्सो रिफर्ड एज थायरिस्टर और थायरॉइड ट्रांजिस्टर। एक सॉलिड स्टेट डिवाइस है, इक्विवेलेंट तो थायरेट्रॉन की होती है, इसलिए इसको थायरिस्टर भी कहा जाता है या थायरॉइड ट्रांजिस्टर। थायरॉइड ट्रांजिस्टर इस वजह से कहा जाता है, ये दो ट्रांजिस्टर की मदद से भी आप इसको बना सकते हैं। इनफैक्ट सिलिकॉन कंट्रोल इलेक्ट्रीफायर इज़ अ ट्रेड नेम गिवन टू द थायरिस्टर बाय जनरल इलेक्ट्रिकल कंपनी। ये एक ट्रेड नेम भी है जिसको थायरिस्टर को दिया गया है बाय कंपनी के नाम से, कंपनी की तरफ से, सॉरी। बेसिकली SCR इज़ अ थ्री टर्मिनल फोर लेयर सेमी कनेक्टेड डिवाइस। तीन टर्मिनल होते हैं इसके अंदर और चार लेयर्स होती हैं। जो हमने शुरू शुरू में जो हमने चीज़ पढ़ी थी, डोपिंग करने के बाद जो हमें जो पी टाइप और एन टाइप सेमी कंडक्टर्स मिलते हैं, उसकी इसके अंदर चार लेयर्स होती हैं अल्टरनेट पे, ठीक है। पी टाइप शुरू से, शुरू वाली लेयर जो होती है वो पी टाइप की होती है, और उसके बाद एन टाइप, फिर पी टाइप, फिर एन टाइप। आप इस फिगर में अगर आप देखें, ये तीन टर्मिनल हैं, इसको एनोड कहते हैं हम, इसको कैथोड, इसको गेट। चार लेयर्स हैं, पहले पी टाइप है, एन टाइप, फिर पी टाइप, फिर एन टाइप। इसी तरीके से इसके तीन जंक्शन बन जाते हैं, J1, J2 एंड J3। हेल सिटी हैज थ्री पी एन जंक्शन, J1, J2 एंड J3। तीन जंक्शन बन जाएंगे इसके चार लेयर्स होने की वजह से। द फिगर बिलो शोज द SCR विथ, शोज एन SCR विथ लेयर्स पी एन की लेयर बनी हुई है। द डिवाइस हैज़ अ टर्मिनल, एनोड, कैथोड एंड गेट। तीन टर्मिनल होंगे, उनका नाम है एनोड, कैथोड और गेट। द गेट इज़ अटैच टू पी लेयर नियर टू द कैथोड टर्मिनल। जो कैथोड की तरफ जो पी लेयर होगी, एक तो पी लेयर है ये, एक जो ये वाली पी लेयर है, इसके साथ आपका गेट टर्मिनल जो है वो अटैच होता है, यानी कि जो कैथोड के पास होती है। कैथोड को सी से भी शो किया जाता है और के से भी शो किया जाता है। एनोड, गेट एंड कैथोड, ये इसकी सिंबल है। इस तरीके से इसको जो है ना जाहिर किया जाता है, शो किया जाता है। ये अगर इसका गेट को हटा दें तो ये डायोड जैसा सिंबल है, जो नॉर्मल आपका डायोड होता है उसी जैसा सिंबल है, कोई चेंजिंग नहीं है इसके अंदर। लेकिन हम इसके साथ जो है ना वो गेट टर्मिनल भी लगा होता है, जो इसकी इसको ट्रिगर करने के लिए, इसको जो है ना स्टार्ट करने के लिए बेसिकली जो है वो काम आता है, करंट को फ्लो करवाने के लिए। तो ये इसकी थोड़ी कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, आ जाते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड ऑफ SCR। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड क्या होता है? इन दिस मोड SCR इज रिवर्स बायस बाय कनेक्टिंग इट्स एनोड टर्मिनल टू नेगेटिव एंड एंड द कैथोड टर्मिनल टू पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी। अब रिवर्स का मतलब ही यही है कि आपने उसको रिवर्स पोलैरिटी के साथ या अपोजिट पोलैरिटी के साथ कनेक्ट कर दिया। अगर आपको याद हो, फॉरवर्ड और रिवर्स के हमने जो है ना वो पढ़ा था नॉर्मल डायोड के अंदर, तो फॉरवर्ड की कंडीशन क्या होती है और रिवर्स की कंडीशन क्या होती है।
फॉरवर्ड की कंडीशन ये होती है कि एनोड के साथ पॉजिटिव टर्मिनल अटैच होता है बैटरी का, और कैथोड के साथ नेगेटिव टर्मिनल जो है वो अटैच होता है बैटरी का। ये है आपकी फॉरवर्ड की कंडीशन। रिवर्स की कंडीशन ये होती है कि एनोड के साथ नेगेटिव टर्मिनल होगा और कैथोड के साथ पॉजिटिव, यानी कि अपोजिट टर्मिनल जो है वो बैटरी के कैथोड के टर्मिनल के सॉरी SCR के जो है वो टर्मिनल के साथ एंड कनेक्ट हो गए। दिस लीड्स टू द रिवर्स बायसिंग ऑफ जंक्शन J1 J3। अब इसमें क्या हो जाएगा कि आपका J1 और J3 जो है ना वो रिवर्स बायस हो जाएंगे, विच इन टर्न प्रोहिबिट्स द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द डिवाइस इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द जंक्शन J2 रिमेन इन फॉरवर्ड बायस। अब होगा क्या, अगर इस फिगर को देखें, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव कनेक्ट है, ये नेगेटिव के साथ नेगेटिव, ये फॉरवर्ड की कंडीशन बन जाएगी। यानी कि अब इसके अंदर जंक्शन है J1 J2 J3, हमने क्या किया इसको नेगेटिव से कनेक्ट किया, इसको पॉजिटिव से, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, यहाँ से नेगेटिव आ रहा है और ये पॉजिटिव है, ये रिवर्स की कंडीशन है। यहाँ से पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव है, ये भी रिवर्स की कंडीशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ से नेगेटिव है और एन भी नेगेटिव है, ये फॉरवर्ड की कंडीशन है। यहाँ से पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव आ रहा है और ये पी पॉजिटिव है, ये भी फॉरवर्ड की कंडीशन है। इस वजह से वो कह रहा है कि जो आपकी J2 सिर्फ जो है वो आपका फॉरवर्ड बायस में होगा, क्योंकि ये जो है वो फिलफिल कर रहा है आपकी फॉरवर्ड वाली कंडीशन को, और J1 और J3 जो है जो वो रिवर्स बायस हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो है वो आपका थायरिस्टर है वो टोटली ऐसे समझ लें रिवर्स बायस काम कर ले लग जाएगा। लेकिन थोड़ा सा जो करंट है उसके अंदर फ्लो होगा, जिसको हम लीकेज करंट कहते हैं, ठीक है, वो इस वजह से होगा क्योंकि हमारा J2 जो है वो फॉरवर्ड बायस है, इस वजह से जो थोड़ा सा जो है वो लीकेज करंट जो कि ना होने के बराबर होता है, इसको हम लीकेज करंट कहते हैं, वो फ्लो होगा। इन दिस स्टेट द SCR बिहेव एज अ टिपिकल डायोड इन रिवर्स बायस कंडीशन, ओनली रिवर्स सैचुरेशन करंट, जिसको रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं, फ्लोस थ्रू द डिवाइस एज इन द केस ऑफ रिवर्स बायस डायोड, रिवर्स बायस के केस के अंदर। दोबारा देख लें, ये J1 है, ये J3 है, ये रिवर्स बायस क्यों होंगे, क्योंकि ये वाला जो जंक्शन है यहाँ पे पी नेगेटिव के साथ आ जाता है और एन जो है वो पॉजिटिव के साथ आ जाता है, जिसकी वजह से J3 और J1 जो है वो रिवर्स बायस हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो ये एन, यहाँ पे एन है ये वाला एन, और यहाँ से पॉजिटिव आएगा तो ये पी है, इस सूरत में J2 जो है वो आपका फॉरवर्ड बायस होगा। तो यानी कि अगर जो है आप यहाँ पे देखें, जो टोटल ओवरऑल जो इफेक्ट है वो रिवर्स बायस का है, तो इस वजह से आपका करंट जो है वो बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाएगा। और इस केस में हमने गेट के ऊपर कुछ भी, यानी कि आपने क्या कहते हैं, सप्लाई नहीं दी हुई। गेट के ऊपर वैसे पॉजिटिव सप्लाई दी जाती है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव है, इस वजह से हम गेट पे सप्लाई दें या ना दें, उससे जो है ना हमारे डायोड के जो है वो ओवरऑल जो इसका इफेक्ट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है, हेयर पॉजिटिव बायस इज अप्लाई टू SCR बाय कनेक्टिंग एनोड टू पॉजिटिव एंड कैथोड टू नेगेटिव। इसमें क्या करते हैं, एनोड को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और कैथोड को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, जो कि फॉरवर्ड की कंडीशन है, आई शोन इन फिगर ब्लो। अंडर दिस कंडीशन द जंक्शन J1 एंड J3 आर फॉरवर्ड बायस व्हाइल द जंक्शन J2 गेट रिवर्स बायस। इसमें अब क्या होगा, ये पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल पी से कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर एन के ऊपर नेगेटिव सप्लाई आ रही है, तो ये J1 और J3 तो सीधा सीधा हो गए फॉरवर्ड बायस। अब एन टाइप मटेरियल जो है उसके ऊपर यहाँ से पॉजिटिव आएगी, पी टाइप के ऊपर यहाँ से नेगेटिव सप्लाई आ रही है, तो ये J2 हो जाएगा आपका रिवर्स बायस, ठीक है। लेकिन अभी भी इस कंडीशन में भी ना ये है, इसको कहते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड ऑफ SCR, यानी कि यहाँ पे जब शुरू शुरू के अंदर आपका जो फॉरवर्ड करंट है वो भी ब्लॉक होगा, उसमें फॉरवर्ड कंडीशन में भी करंट जो है ब्लॉक नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने गेट के ऊपर सप्लाई नहीं दी हुई। अब यहाँ फॉरवर्ड के अंदर करंट को फ्लो करवाने के लिए भी दो तरीके हैं, एक है बाय एनोड एक्शन और दूसरा है बाय गेट ट्रिगरिंग, ठीक है। तो फिलहाल जो है वो उसको फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये जो J2 है ये आपका करंट को ब्लॉक कर रहा है, क्योंकि ये रिवर्स बायस है, तो हमने इस J2 वाले को भी
जो जंक्शन है इसको भी ब्रेक करना है। तो वो कैसे करना है वो फिर इंशाल्लाह हम अगले जो क्लास है उसके अंदर देखेंगे। फिलहाल यहाँ तक क्योंकि ये ब्लॉक कर रहा है इस वजह से हम इसको कह रहे हैं ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड ऑफ SCR है। ये रिवर्स ब्लॉकिंग थी, इसमें तो ओवरऑल इफेक्ट जब वो नेगेटिव आ रहा था यानी कि रिवर्स में करंट था तो करंट फ्लो हो ही नहीं रहा था। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो J2 की वजह से करंट फ्लो नहीं हो रहा, बाकी दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस हैं लेकिन J2 की वजह से करंट फ्लो नहीं हो रहा, इस वजह से आपका फॉरवर्ड के अंदर भी करंट जो है वो ब्लॉक हो रहा है, इस वजह से इसको फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कहा जा रहा है। तो ये यहाँ पे हमने गेट के ऊपर भी फिलहाल कोई जो है ना सप्लाई नहीं दी हुई। तो ये आपका है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड ऑफ SCR, ये आपका रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, ये इसकी है कंस्ट्रक्शन। तो इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इसको रिवाइज करने हैं। बाकी तो सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ी हुई हैं इंशाल्लाह। फिर जो है ना फॉरवर्ड कंडक्शन मोड क्या होता है वो हम इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।